श्री कल्की धाम में आप सबका स्वागत है। मुझे कल रात कई न्यूज चैनल के माध्यम से ये जानकारी मिली कि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। तो सबसे पहले तो मैं कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने मुझे कांग्रेस से मुक्ति देने का फरमान जारी किया। साथ ही साथ मैं उनसे ही सवाल करना चाहता हूँ, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से, तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? क्या अयोध्या जाना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम की जन्मभूमि के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का निमंत्रण स्वीकार करना पार्टी विरोधी है? क्या भगवान राम के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में सम्मिलित होना पार्टी विरोधी है? क्या श्री कल्की धाम का शिलान्यास कराना पार्टी विरोधी है? क्या नरेंद्र मोदी जी से मिलना पार्टी विरोधी है? क्या उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह का निमंत्रण देना पार्टी विरोधी है? क्या भारतीय संस्कृति, संस्कार और सनातन की बात करना पार्टी विरोधी है? तो ये मेरे सवाल हैं जो कांग्रेस लीडरशिप से हैं, और कांग्रेस नेतृत्व को ये बताना चाहिए, देश की जनता के सामने स्पष्ट करना चाहिए कि कौन सी बात और कौन सा बयान पार्टी विरोधी है। ये मेरी मांग है। दूसरी मेरी अभिलाषा है, मेरी प्रबल इच्छा है, भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास दिया गया था, तो एक राम भक्त को 6 साल के लिए क्यों निकाला जा रहा है, इसको 14 वर्ष कर दिया जाए। मैं छात्र जीवन से, जब मेरी उम्र लगभग 16-17 वर्ष थी, 81-82 में लगभग स्वर्गीय राजीव गांधी जी से मिला था, जब वो संजय गांधी जी के निधन के बाद सांसद बने थे, इंदिरा जी प्रधानमंत्री थी। तब से लेके मैं कांग्रेस से जुड़ा रहा। राजीव जी को मैंने एक वादा किया था जब वो प्रधानमंत्री बने थे, उसके बाद जब इंदिरा जी की हत्या हो गई थी, और राजीव गांधी जी से हमें राजेश पायलट जी ने मिलवाया था, हमने कहा था कि हम आखिरी सांस तक कांग्रेस नहीं छोड़ेंगे, हम अपने जीवन की अंतिम घड़ी तक कांग्रेस पार्टी को नहीं छोड़ेंगे, और इस वादे को हमने निभाया। बहुत से ऐसे मोड़ आए, बहुत सी ऐसी बातें आईं, कांग्रेस पार्टी के बहुत से ऐसे फैसले थे
जिनसे मैं सहमत नहीं था। धारा 370 हटाने का फैसला जब भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने लिया तो ये देश हित में फैसला था। कांग्रेस को इसका विरोध नहीं करना चाहिए था। इसी तरह 3 तलाक को हटाने का फैसला, यह हमारी मुस्लिम बहनों के हक में था, इसका पार्टी को विरोध नहीं करना चाहिए था। तीसरा, जब डीएमके के नेताओं ने कहा कि हम सनातन को मिटा देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, कुष्ठ है, इसका समर्थन कांग्रेस को नहीं करना चाहिए था। बहुत से ऐसे मुद्दे आए। एक और बड़ा मोड़ आया जब भारत की नई संसद का उद्घाटन भारत के प्रधानमंत्री जी ने किया। उसका विरोध कांग्रेस पार्टी ने जब किया, जब कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने उसका विरोध किया तो मैंने इस बात का समर्थन नहीं किया और मैंने ये बात कही कि भारत की संसद का उद्घाटन अगर भारत का प्रधानमंत्री नहीं करेगा तो क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री करेगा। इन सब बयानों के बाद, इन सब बातों के बाद पार्टी के अंदर मुझे अपमानित करने का कार्य किया जाने लगा। मैंने अपमान के बहुत घूंट पिए लेकिन पार्टी नहीं छोड़ी। कई बार मैं अपने आप से सवाल करता था कि इतना अपमान सहकर के मैं कांग्रेस में क्यों हूँ। लेकिन मुझे राजीव गांधी जी को मैंने जो वचन दिया था वो आड़े आता था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ने का फैसला नहीं किया। दूसरा, मैंने सोचा कि जो शख्स अपनी दादी, अपनी माँ, अपने पिता के साथ सुख दुख में खड़े रहने वाले नेताओं की इज्जत नहीं करना जानता, जो नेता इंदिरा जी के साथ रहे, जो नेता राजीव गांधी जी के साथ रहे, कमलनाथ तक, भूपेंद्र हुड्डा जी से लेकर के दिग्विजय सिंह जी तक, आनंद शर्मा तक, ये वो लोग हैं जो इंदिरा जी के साथ भी रहे, राजीव गांधी जी के साथ भी रहे और सोनिया गांधी जी के साथ भी रहे। ये वो लोग हैं जिन्होंने राहुल गांधी जी को उंगली पकड़ के चलना सिखाया। भारत की संस्कृति है, भारत की सभ्यता है कि हम अपने बुजुर्गों का बड़ा सम्मान करते हैं, हम अपने पूर्वजों को बड़ी इज्जत देते हैं। मैंने सोचा, मैंने सवाल किया अपने आप से कि जो व्यक्ति इतने बड़े बड़े नेताओं की इज्जत नहीं करता है तो फिर यदि मुझको अपमानित किया जा रहा है तो ये कौन सी बड़ी बात है। महाभारत में सारे महारथियों ने मिलके षड्यंत्र के तहत एक निहत्ते अभिमन्यु का वध किया था। उसका परिणाम इतिहास में दर्ज है। सवाल आचार्य प्रमोद कृष्णम के निष्कासन का नहीं है, सवाल इस बात का है कि वो कांग्रेस जो महात्मा गांधी की कांग्रेस थी, वो कांग्रेस जो सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद और इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी,
आज उस कांग्रेस को किस रास्ते पे ला करके खड़ा किया गया है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें चमचागिरी करनी जरूरी है? क्या कांग्रेस में रहने का मतलब है कि हमें झूठ बोलना जरूरी है? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो सनातन को मिटाने की बात करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो रह सकते हैं जो राम का अपमान करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रह सकते हैं जो हिंदू धर्म को और हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने का काम करें? क्या कांग्रेस में सिर्फ वो लोग रहेंगे जो हिंदुओं की आस्था को रोज ठेस पहुंचाने का काम करेंगे? मैं आपके माध्यम से ये साफ कर देना चाहता हूं कि राम और राष्ट्र पर समझौता नहीं किया जा सकता है। निष्कासन बहुत छोटी चीज है। हम अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, लेकिन राष्ट्रीय अस्तित्व, राष्ट्रीय अस्मिता और सनातन पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। मैं आज मुक्त हुआ। श्री कल्कि धाम का शिलान्यास समारोह 19 फरवरी को हो रहा है और मुझे फक्र है, मुझे गर्व है इस बात का कि भारत के प्रधानमंत्री, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, भारत के ओजस्वी प्रधानमंत्री, भारत के तपस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र भाई मोदी श्री कल्कि धाम की आधारशिला रखने आ रहे हैं। पत्रकार साथियों, सवाल इस देश के भविष्य का है। मैं जानता हूं कि लोकतंत्र में एक मजबूत विपक्ष होना बड़ा जरूरी है, लेकिन यदि विपक्ष विरोध के नाम पर, विपक्ष के नाम पर सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करना सिखाता हो, सिर्फ एक व्यक्ति से नफरत करता हो, तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ता है। विपक्ष का अर्थ यह नहीं होता कि तुम प्रधानमंत्री से नफरत करो। मौजूदा जो विपक्ष है, ये मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये नरेंद्र मोदी से इतना नफरत करता है, इतना नफरत करता है कि नरेंद्र मोदी से नफरत करते 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 ये भारत से नफरत करने लगा है। अपना दृष्टिकोण बदले बिना इस देश के लोकतंत्र को नहीं बचाया जा सकता है। मैं आज बड़े पवित्र भाव से, बड़ी पवित्र भावनाओं से ये कहते हुए बड़ा आनंदित हूं कि मैंने कांग्रेस को नहीं छोड़ा। स्वर्गीय राजीव गांधी जी को जो मैंने वचन छात्र जीवन में दिया था, मैंने उसको नहीं तोड़ा। लेकिन आज के बाद मैं अब और नई ऊर्जा के साथ राष्ट्र के निर्माण में, भारत को और मजबूती देने के लिए, भारत को और मजबूत बनाने के लिए, भारत को और शक्तिशाली बनाने के लिए, भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए मैं इस देश के प्रधानमंत्री के साथ खड़ा रहूंगा। मुझे ये कहते हुए हर्ष हो रहा है कि इस देश को एक सुयोग्य, सुसंस्कृत
समर्थ नेतृत्व की आवश्यकता थी जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरी की है। मैं उत्तर प्रदेश के कर्मठ मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का भी आज आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने श्री कल्की धाम के शिलान्यास समारोह में आने का मेरा न्योता स्वीकार किया है। कल क्या होगा ये किसी को नहीं पता, लेकिन मैं इतना अवश्य कहना चाहता हूं कि 16-17 साल की उम्र में मैंने जो वचन राजीव गांधी जी को दिया था वो आज तक निभाया है, और आज इस उम्र में एक संकल्प ले रहा हूं कि मैं आजीवन नरेंद्र मोदी के साथ खड़ा रहूंगा। मैंने अपनी बातों को बड़े पवित्र भाव से रखा है। मैं कांग्रेस के उन सभी नेताओं का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने श्री कल्की धाम का समर्थन किया, जिन्होंने मेरे प्रति सादर सम्मान व्यक्त किया, जिन्होंने मेरा सम्मान किया। कांग्रेस पार्टी में आज बहुत मायूसी की लहर है। हर कोई नेता पूछ रहा है कि आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर क्या था। क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में गए? क्या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो नरेंद्र मोदी जी से मिले? या आचार्य प्रमोद कृष्णम का कसूर यह है कि वो योगी आदित्यनाथ जी से मिले? मैं उन सभी नेताओं का आज आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रह के मेरा साथ दिया। लेकिन मैं सभी नेताओं से आज आपके माध्यम से एक बात कहना चाहता हूं कि जो शख्स अपनी माँ और अपनी बहन की इज्जत नहीं कर सकता वो इस देश का सम्मान क्या करेगा? जो शख्स अपनी विरासत को संभाल नहीं सकता वो भारत को कैसे संभाल पाएगा? सब अपनी अपनी जगह सोचें, चिंतन करें। राजनीति छोटी है, राष्ट्र बड़ा है। हम एक दिन सब मिट जाएंगे, लेकिन ये राष्ट्र नहीं मिटना चाहिए, ये भारत नहीं मिटना चाहिए। मैं कांग्रेस पार्टी के उन नेताओं का भी आज आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने कांग्रेस से मुझे मुक्त करने की चिट्ठी जारी की है। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहाँ जाऊंगा ये मुझे भी नहीं पता। मुझे भगवान पे भरोसा है, वो जहाँ मुझे भेजेगा मैं वहाँ जाऊँगा। सर आपने कहा कि आप प्रधानमंत्री के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं, देश की तरक्की के लिए खड़े हैं। माना जा सकता है कि जिस तरह से आपने राजीव गांधी जी को वचन दिया था अब मोदी जी को दिया जा रहा है, तो ये साकार होगा पूरा? आप बीजेपी का? मैं नरेंद्र मोदी जी के साथ हूँ और नरेंद्र मोदी देश के साथ है। सर आप लंबे समय कांग्रेस में रहे हैं, आप सीनियर पद पर रहे हैं, अब इतना लंबा आशा गुजरने के बाद बहुत सारे दोस्त भी होंगे। जैसे कांग्रेस पार्टी ने कल अपना फैसला सुनाया, उसके बाद क्या लगता है कि कांग्रेस में भगदड़ मचेगी? मचेगी क्यों, मच रही है। गुलाम नबी आज़ाद, कपिल सिब्बल, ज्योतिराज सिंधिया, सुष्मिता देव, अशोक तंवर, जितिन प्रसाद, आरपीएन सिंह, ये सब वो लोग हैं जिनकी रगों में कांग्रेस का खून बहता था। इनका लहू कांग्रेसी था, ये पैदाइशी कांग्रेसी लोग हैं। ये क्यों गए सब छोड़ के? ये सब इसलिए गए क्योंकि नेतृत्व अयोग्य अक्षम जब होता है तो यही हालत होती है। आचार्य जी आपने भी कहा था कि जो आदमी अपनी माँ बहन की इज्जत नहीं कर सकता हो, विरासत नहीं बचा सकता हो अपनी,
तो आखिर वो इशारा किसकी तरफ है, कौन है वो? मुझे जो कहना था कह दिया, आपको जो समझना है समझिए। आपने कांग्रेस पार्टी को बहुत करीब से देखा और जाना समझा है, आखिरकार जो है राम मंदिर जाने से सोनिया प्रियंका राहुल क्यों बचते हैं? 19 तारीख तक मेरा ध्यान श्री कल्कि धाम के शिलान्यास समारोह की सफलता पे है, 19 के बाद फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा, आपसे मिलूंगा, तो इस देश की राजनीति में तूफान आएगा। सर, कांग्रेस के कितने लोग ऐसे हैं जिनको नोटा दिया गया है 19 तारीख के लिए, क्या आएंगे? कांग्रेस पार्टी नहीं, सारी पार्टियों के नेताओं को न्योता गया है, न्योता जा रहा है। अभी मैं दीपेंद्र हुड्डा जी से मिला था, अभी सलमान खुर्शी जी से मिला था, विवेक तनखा जी से खुद मिल करके न्योता दिया है। मैंने माननीय सोनिया गांधी जी को भी फ़ोन किया था कि मैं आपको आमंत्रित करने के लिए आना चाहता हूँ। आचार्य, सियासी हलकों में चर्चा है कि 19 फरवरी को आप बीजेपी में शामिल होने के बाद लोकसभा टिकट के लिए, लोकसभा लड़ना मेरे लिए छोटी बात है, मेरा ये कोई विषय नहीं है, राष्ट्र निर्माण मेरा विषय है, राष्ट्र और राम, राम और राष्ट्र पर ना मैंने कभी समझौता किया है ना मैं करूँगा। जिस पार्टी के लिए इतना लंबा समय आपने दिया, उस पार्टी के जो सीनियर नेता हैं वो कभी कल्कि उत्सव में नहीं आए, 17-18 साल से हम भी देख रहे हैं, सेकंड लेवल के सारे लोग, लेकिन गांधी परिवार से कभी कोई नहीं आया, लेकिन आपने पहली बार मुलाकात की प्रधानमंत्री से और उन्होंने पहली बार में आपका नियोता स्वीकार कर लिया, जबकि आप विरोधी दल के नेता थे, दूसरी पार्टी के नेता थे, तो इसमें कितना फ़र्क आपको महसूस हो रहा है? जिन्होंने राम के नौते को ठुकरा दिया वो कल्कि धाम के नौते को क्या स्वीकार करेंगे? सर, आप इशारे वजह क्या है, कांग्रेस की क्या मजबूरी? मंदिर तो जाते हैं वो, लेकिन कल्कि धाम आने से परहेज है, अयोध्या जाने से परहेज है, क्या वजह? आप तो लंबे समय रहे हैं, उनकी कुछ नेचर आपको समझ में आई? उन्होंने सनातन को ख़त्म करने की कसम खाई है और हमें ये जिद है कि ये झंडा दुनिया में लहराएंगे। क्या उनसे कौन सा डर है, क्या उनका अल्पसंख्यक तो जो वोट बैंक है वो खिसक जाएगा मंदिर जाने से? अल्पसंख्यक हमारे भाई हैं, लेकिन कांग्रेस इस वजह से नहीं जाना चाहती। कांग्रेस क्या चाहती है और कांग्रेस क्या नहीं चाहती है, जो कांग्रेस का वर्तमान स्वरूप है, कांग्रेस की जो वर्तमान हालत है, उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूँ, उसके लिए वो जिम्मेदार हैं जो पिछले 15 सालों से कांग्रेस के फैसले कर रहे हैं। ये सवाल उनसे पूछिएगा कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है, ये सवाल पूछिएगा उनसे कि कांग्रेस की बर्बादी का कारण कौन है, क्या भगवान राम है, श्री कल्कि धाम है, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले कर रहे थे, या वो लोग हैं जो कांग्रेस के फैसले ऐसे कर रहे थे जो देश की जनता को चुभ रहे थे? सर, राजस्थान में भी सचिन पायलट के लिए आपने बयान दिया, आपने उनका समर्थन किया, प्रियंका गांधी के आप सलाहकार रहे, आखिरकार परिवार के सदस्य थे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, आप सलाहकार थे प्रियंका गांधी के, जो सलाह आपने दी हुई कि राहुल गांधी ने मानी नहीं मानी, आप इशारों में सारी बात कह देते हैं। सचिन पायलट जी का बहुत अपमान हुआ है, लेकिन भगवान शिव की तरह वो जहर पिए जा रहे हैं, उसी तरह प्रियंका गांधी जी की बड़ी तौहीन हो रही है। जब ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारियों की लिस्ट जारी हुई तो देश की आज़ादी के बाद आज तक किसी भी पदाधिकारी के सामने ये नहीं लिखा गया जो प्रियंका गांधी जी के सामने लिखा गया। आप पूछिएगा प्रियंका जी से कि क्या वो इस फैसले से खुश हैं? उनके आगे लिखा गया कि प्रियंका गांधी जनरल सेक्रेटरी विदाउट एनी पोर्टफोलियो, यानी आप जनरल सेक्रेटरी हैं लेकिन कोई काम नहीं करेंगी। पूछिए उनसे, पूछिए प्रियंका गांधी जी से कि आज राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही है 1.5 महीने से, उसमें क्यों नहीं जा रही? तो सवाल इस बात का है कि ये जो अपमान किया जा रहा है उनका और बाकी लोगों का, ये किसके इशारे पे हो रहा है? क्योंकि हमारे अध्यक्ष जी तो रबर स्टैंप हैं। सर, आपके आने आपको तो निष्कासित कर ही दिया है, क्या सचिन पायलट या और जो कांग्रेस के जिनके आप करीबी रहे हैं उनकी घड़ी आपकी तक पहुंचेगी? सर, इशारों में नहीं बताना, खुल के बोल देना थोड़ा। मैंने जो कहना था कह दिया, मैं व्यक्तिगत तौर बातें नहीं करना चाहता,
मेरा आपसे निवेदन है कि व्यक्तिगत सवाल ना पूछें। ठीक है, 19 फरवरी के बाद फिर हम मिलेंगे और फिर आप जो मर्जी सवाल पूछना। 19 फरवरी के बाद की पत्रकार वार्ता का इंतजार करिएगा। कांग्रेस में क्या क्या होता है, कांग्रेस में क्या क्या हो रहा है, कांग्रेस में कौन कौन क्या क्या कर रहा है, इस पर मैं सब बात करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।